हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम AWS में BPC क्रिएट करते हैं यूजिंग AWS CLI। सो दोस्तों, AWS CLI से BPC क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके साथ साथ कस्टम BPC कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग AWS CLI। ओके, सो सबसे पहले हम अपने कंसोल को लॉग इन कर लेते हैं। ओके, साइन इन टू द कंसोल एंड आफ्टर दैट हम अपने कंसोल पर लॉग इन कर जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले AWS CLI को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें यहाँ पर राइट साइड में आपको अपने अकाउंट का, जो आपके अकाउंट का जिस नेम से आपने अकाउंट बनाया है वह शो हो रहा होगा, वहाँ यहाँ पर आप सिंपली ड्रॉप डाउन कीजिए और यहाँ पर अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस कोटा बिलिंग एंड पोस्ट मैनेजमेंट, इसके नीचे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल नाम का ऑप्शन हो रहा होगा, इस पर जस्ट आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको IAM मैनेजमेंट का कंसोल शो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर एक्सेस की, यहाँ पर हमें इसके एक्सेस की टू सेंड ए प्रोग्रामेटिक कॉल्स टू AWS फ्रॉम द AWS CLI। ओके, सो AWS CLI के लिए हमें एक एक्सेस की क्रिएट करनी होगी, सो आप सिंपली यहां पर क्रिएट एक्सेस की पर क्लिक कीजिए, यहां पर कंटिन्यू टू क्रिएट एक्सेस की, क्रिएट एक्सेस की। ओके, और यह हमारी एक्सेस की क्रिएट हो गई है, इसको आप सिंपली डाउनलोड CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही हम इसको CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर आप डन कीजिए। ओके, यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर हमने अपना कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। इसके बाद चलते हैं हम CMD ओपन करते हैं, जस्ट CMD ओपन कीजिए। ओके, हम इसके इंटरफेस को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, नाउ विजिबल इफ यू। ओके, थोड़ा इसका साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज पर जाइए और यहाँ पर इसको 24 कर लीजिए। ओके, नाउ इट्स ओके। सो सबसे पहले AWS को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कमांड चलाना होगा AWS कॉन्फ़िगर। AWS वन सेकंड, AWS कॉन्फ़िगर, AWS कॉन्फ़िगर। जैसे ही आप यह कमांड चलाएंगे AWS कॉन्फ़िगर, आपको यहाँ पर AWS एक्सेस की डालनी होगी, जो अभी हमने CSV फॉर्मेट में क्या की है, डाउनलोड की है। सो सबसे पहले आप आइए और इस CSV फाइल है उसको ओपन कीजिए। तो यहाँ पर यह डाउनलोड में हमारी CSV फाइल अभी हमने डाउनलोड की है, तो इसको जस्ट हम ओपन करते हैं एंड देन इस जो एक्सेस की है इसको आप जस्ट कॉपी कर लीजिए। ओके, इस एक्सेस की को आप जस्ट कॉपी कीजिए, वन सेकेंड के दिस वन इज एक्सेस की 957। ओके ओके, दैट वन। इसको जैसे ही आप करेंगे और यहाँ पर सिंपली आप पेस्ट कर दीजिए एंड इसके बाद आपको AWS सीक्रेट एक्सेस की, इसी CSV फाइल में सीक्रेट एक्सेस की, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। ओके, एंड कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद आप रीजन कौन सा लेना चाहते हैं, डिफॉल्ट रीजन का नेम आपको यहाँ पर देना होगा, आप जो भी डिफॉल्ट रीजन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसका नेम देना होगा। जैसे हम अभी मुंबई रीजन लेना चाहते हैं तो हम AP साउथ 1 यहाँ पर सेलेक्ट टाइप करते हैं। ओके, और जो आउटपुट फॉर्मेट है वह JSON लेते हैं हम, JSON। ओके, सो नाउ हमारा AWS कॉन्फ़िगर हो गया है। अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले चेक करते हैं हम कि हमारे यहाँ पर कोई BPC क्रिएट है या नहीं। तो सिंपली कमांड होता है BPC चेक करने के लिए AWS EC2 describe BPC। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक हमारा डिफॉल्ट BPC बना हुआ है, इसके बाद ओके डिफॉल्ट BPC, इसके बाद एक हमने
एक हमने बीपीसी बनाया हुआ है, ओके चलते हैं हम। इसके बाद अब हमें कस्टम बीपीसी कैसे क्रिएट करना है वाया AWS CLI। सो कस्टम बीपीसी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम बीपीसी क्रिएट करते हैं। तो बीपीसी क्रिएट करने के लिए कमांड है AWS EC2 क्रिएट, AWS EC2 क्रिएट बीपीसी। इसके बाद हमें इसकी जो क्रिएट बीपीसी जो हमें रेंज है CIDR ब्लॉक देना होगा। ओके CIDR ब्लॉक, CIDR ब्लॉक 10.0.0.0/16 CIDR ब्लॉक। इसके बाद हमें इसको जो हम बीपीसी बना रहे हैं इसको कोई स्पेसिफिकेशन यानी कि हम देना चाहते हैं, इसका नेम देना चाहते हैं, तो इसके लिए टैग स्पेसिफिकेशन करना होगा हमें। तो यहाँ पर टाइप कीजिए आप टैग स्पेसिफिकेशन, टैग स्पेसिफिकेशंस। एंड इसके बाद हम टैग स्पेसिफिकेशंस रिसोर्स टाइप, रिसोर्स क्या है हमारा, रिसोर्स टाइप में हम डालेंगे यहाँ पर क्या बीपीसी, रिसोर्स टाइप बीपीसी। एंड इसके बाद हमें जो टैग देना है टैग हम यहाँ पर सिंपली टैग डाल देंगे। ओके नो प्रॉब्लम। तो हमें यहाँ पर टैग सेकंड, तो इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम की इक्वल नेम, की इक्वल NAME नेम। एंड इसके बाद जो नेम है वैल्यू क्या लेना चाहते हैं, वैल्यू वैल्यू में डाल देते हैं हम इस बीपीसी को, नेम दे देते हैं माई बीपीसी, माई बीपीसी वन और यू ओके माई बीपीसी 01। ओके ये हमने अपने बीपीसी को नेम दे दिया और जस्ट आप यहाँ पर इंटर प्रेस। तो यहाँ पर है हमारा माई बीपीसी 01 के नेम से ये बीपीसी हमारा क्रिएट हो गया है। ओके तो हम यहाँ पर सिंपली फॉर द रिफरेंस हम इसकी बीपीसी आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर कर और नोटपैड पर हम इसकी बीपीसी आईडी को पेस्ट कर लेते हैं। यह हमारा बीपीसी क्रिएट हो गया है। अब AWS में बीपीसी क्रिएट करने के लिए सेकंड स्टेप होता है सबनेट। ओके सो हमें इसके बाद सबनेट क्रिएट करना होगा। सबनेट क्रिएट करने के लिए भी सेम सेम प्रोसेस है, AWS EC2 क्रिएट सबनेट, क्रिएट सबनेट। अब यह सबनेट हमें किस बीपीसी आईडी में बनाना है, तो जो अभी हमने बीपीसी आईडी कॉपी की है उसी बीपीसी आईडी को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके है हमारी बीपीसी आईडी, इस बीपीसी आईडी में हमें यह सबनेट बनाना है। ओके अब इस सबनेट की हम सीआईडीआर रेंज क्या देना चाहते हैं, तो सीआईडीआर ब्लॉक, सीआईडीआर ब्लॉक इसका हम दे देते हैं 10.0.1.0/24। ओके अब इस सबनेट को हम नेम देना चाहते हैं जैसे, तो हमने इसको नेम दे दिया टैग स्पेसिफिकेशंस, टैग स्पेसिफिकेशंस एंड रिसोर्स टाइप, रिसोर्स टाइप इक्वल सबनेट। ओके एंड हम इस सबनेट को नेम दे देते हैं। ओके इसके बाद हम टैग इसको देते हैं टैग इक्वल के टैग में हम इसको सबसे पहले की जो है इक्वल नेम और नेम और इसका वैल्यू क्या लेंगे हम, की वैल्यू वैल्यू इक्वल सबनेट या कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हमने इसको दे दिया माई सबनेट 01, हमने इसको नेम दे दिया माई सबनेट 01। ओके जस्ट हम इस पे इंटर करते हैं जस्ट। ओके हमारा यहाँ पे माई सबनेट 01 सबनेट क्रिएट हो गया है। इसकी हम सबनेट आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं। यस ओके तो हमारा यहाँ पर 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, हमने यहाँ पर बीपीसी क्रिएट कर लिया है, सबनेट क्रिएट कर लिया है। थर्ड स्टेप होगा इसमें इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे को क्रिएट करने के लिए कमांड होगा
AWS EC2 create internet gateway, create internet gateway, create internet gateway, AWS EC2 create internet gateway, and after that AWS EC2 create internet gateway, और हमें इसके बाद जो ये इंटरनेट गेटवे है हमें इसका नेम देना होगा। ओके, सो हम इसको इंटरनेट गेटवे को नेम दे देते हैं, या हम ये इंटरनेट गेटवे कहाँ बनाना चाहते हैं। ओके, तो ये हम इंटरनेट गेटवे बनाना चाहते हैं, तो पीपीसी है, हाँ यहाँ पे हम पीपीसी आईडी हमें यहाँ पर मेंशन करनी होगी। ओके, तो आप यहाँ पर बीपीसी आईडी जो आपने कॉपी किया है बीपीसी आईडी यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। ओके, बीपीसी आईडी, ओके। यदि आप इस इंटरनेट गेटवे को नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पर अगेन आप टैग स्पेसिफिकेशन लगा सकते हैं, स्पेसिफिकेशन, टैग स्पेसिफिकेशन, एंड इसके बाद टैग स्पेसिफिकेशन, रिसोर्स टाइप इक्वल इंटरनेट गेटवे रिसोर्स टाइप इंटरनेट गेटवे, एंड टैग्स रिसोर्स टाइप इंटरनेट गेटवे एंड टैग्स इक्वल ओके, एंड टैग्स equal name and value equal my IGW 001। ये हमने इंटरनेट गेटवे को नेम दे दिया एंड जस्ट प्रेस इंटर। ID that one BPC ID unknown. Okay, some error is showing BPC ID, maybe wrong BPC ID. Okay, BPC ID AWS to create BPC ID. BPC ID wrong hai kya yahan par? Maybe BPC is not required. BPC ID is not required. Create internet gateway only required. One second, yahan par hum इस BPC ID कर देते हैं। ओके, अगेन ट्राई करते हैं, हमें यहाँ पर क्रिएट AWS EC2 क्रिएट इंटरनेट गेटवे, नाउ क्रिएटेड, नाउ इंटरनेट गेटवे क्रिएटेड। तो हमें यहाँ पर इस इंटरनेट गेटवे ID को कॉपी कर लेते हैं और इस इंटरनेट गेटवे आईडी की और इसको यहाँ पर नोट पर पेस्ट कर देते हैं फॉर द रेफरेंस। यहाँ पर हमारा इंटरनेट गेटवे भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब हमें इस इंटरनेट गेटवे को अटैच करना होगा बीपीसी के साथ। अटैच करने के लिए सेम सिंपल सा कमांड होता है AWS EC2 अटैच इंटरनेट गेटवे, attach internet gateway। इसके बाद and attach internet gateway and internet gateway id, internet gateway id, attach internet gateway id, okay। और हम जो हमारी internet gateway की id है इसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देते हैं, एंड इसके बाद हमें यहाँ पर बीपीसी आईडी, हमारी बीपीसी है उसकी आईडी को यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। तो बीपीसी आईडी हमने कॉपी करके रखी हुई है, इसको जस्ट आप यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए और जस्ट इंटर। यह हमारा जो इंटरनेट गेटवे है यह बीपीसी के साथ अटैच हो गया है। यदि आपको चेक करना हो है तो सिंपल आप चलिए मैनेजमेंट कंसोल पर, यहाँ पर बीपीसी पर क्लिक कीजिए और जो हमने बीपीसी बनाया है हमारा बीपीसी
माई बीपीसी 01। ओके, तो यहाँ पर पहले हम चलते हैं बीपीसी पर। यह हमारा माई बीपीसी 01 अवेलेबल तो हो रहा है। इसके बाद चलते हैं हम सबनेट। ओके, तो यहाँ पर हमारा सबनेट माई सबनेट 01 भी ऑलरेडी क्रिएटेड है। राउट टेबल अभी हमने नहीं बनाई है, तो अभी शो नहीं हो रही है राउट टेबल। इसके बाद हम चलते हैं इंटरनेट गेटवे पर। यहाँ पर हमारा इंटरनेट गेटवे अटैच शो हो रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पर बनानी है राउट टेबल। सो राउट टेबल बनाने के लिए AWS EC2 क्रिएट राउट टेबल, क्रिएट राउट टेबल एंड आफ्टर दैट क्रिएट राउट टेबल एंड आफ्टर दैट वी नीड टू गिव बीपीसी आईडी AWS EC2 क्रिएट राउट टेबल एंड BPC ID। और हम यहाँ से BPC ID को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड जस्ट BPC ID। इसके बाद यदि आप इस राउट टेबल को नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पर टैग स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। टैग स्पेसिफिकेशंस एंड रिसोर्स टाइप इक्वल टैग स्पेसिफिकेशन रिसोर्स टाइप इक्वल राउट टेबल एंड आफ्टर दैट राउट टेबल एंड टैग्स टैग्स इक्वल नेम इक्वल ओके, यहाँ पर की इक्वल नेम एंड वैल्यू इक्वल माई राउट 01। ओके एंड प्रेस इंटर। बीपीसी आईडी एक्सपेक्टेड वन आर्गुमेंट। ओके बीपीसी आईडी वी हैव गिविंग मोर स्पेस, सो यहां से स्पेस स्पेस को हटाना होगा। तो यहाँ पर हमारा माई राउट 01 नाम से एक राउट टेबल क्रिएट हो जाएगी। वन सेकेंड अगेन, माई राउट 01 के नाम से एक हमारी राउट टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब हमें यहाँ पर राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे का रास्ता डिफाइन करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर हम टाइप करेंगे AWS EC2 क्रिएट राउट। इसके बाद हमारी जो राउट टेबल है यहाँ से राउट टेबल आईडी को राउट टेबल आईडी को कॉपी करके देते हैं एंड एंड आफ्टर डेट यहाँ पर हम राउट टेबल आईडी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे क्रिएट राउट एंड डेस्टिनेशन सी आई डी आर ब्लॉक इज 0.0.0.0/0 डेस्टिनेशन सी आई डी आर ब्लॉक एंड आफ्टर डेट। हमें इसके बाद जो यह राउट है सिंपली हमें इसके बाद प्रेस इंटर। द कंटेन एन एरर मिसिंग पैरामीटर
क्रिएट राउट, ओके यहाँ पर हमें राउट टेबल, इसके बाद राउट टेबल के बाद हमें यहाँ पर इंटरनेट गेटवे आईडी, यहाँ पर इंटरनेट गेटवे आईडी भी मेंशन करनी होगी, इंटरनेट गेटवे आईडी। इंटरनेट गेटवे आईडी यहाँ पर क्या है, इंटरनेट गेटवे आईडी, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर इंटरनेट गेटवे आईडी अननोन पैरामीटर, यहाँ पर हमने इसको सीआईडीआर ब्लॉक, एंड आफ्टर दैट इंटरनेट गेटवे नॉट इंटरनेट गेटवे, यहाँ पर हमें जो है ओनली ओनली हमें यहाँ पर गेटवे आईडी मेंशन करना, ओके एंड प्रेस इंटर, ओके इंटरनेट गेटवे आईडी यहाँ पर है हमारी। अगर हम इसको करके पेस्ट कर लेते हैं, इंटरनेट गेटवे आईडी यहाँ पर हमारी है, वन सेकेंड, यहाँ से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं एंड देन पेस्ट, एंड प्रेस इंटर। सो हमने यहाँ पर राउट टेबल में यहाँ पर सिंपली हमने राउट टेबल को एडिट करके यहाँ पर इंटरनेट गेटवे का रास्ता यहाँ पर बता दिया है, ओके। सो यहाँ पर हमारी राउट टेबल कौन सी है इसमें चेक करने के लिए जस्ट इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारी राउट टेबल है माई राउट 01, और इसको जस्ट हम चेक करते हैं, इसमें हमने इंटरनेट गेटवे का रास्ता बता दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी सबनेट एसोसिएशन नहीं हुआ है, तो इसको सबनेट एसोसिएट करने के लिए सिंपल सा कमांड है एसोसिएट राउट टेबल, एंड इसके बाद जस्ट बी नीड राउट टेबल आईडी, इसके बाद हमें राउट टेबल का डिटेल देना होगा, राउट टेबल आईडी, एंड जस्ट हमें इस राउट टेबल आईडी को, इसके बाद हमें जिस सबनेट को यहाँ पे हम हमें इसके साथ एसोसिएट करना है उस सबनेट की यहाँ पर हमें आईडी देना होगा। यहाँ पर सबनेट आईडी चेक कर लेते हैं, और इस सबनेट की आईडी को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और जस्ट इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो नाउ हमारा है ऑलरेडी यह कस्टम और यह हमारा कस्टम बीपीसी क्रिएट हो गया है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने बीपीसी क्रिएट किया, बीपीसी के बाद सबनेट क्रिएट किया, इंटरनेट गेटवे एंड राउट टेबल। ओके, सो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, सो चेक करने के लिए स्टेटस चेक करने के लिए, सबनेट चेक करने के लिए और अपना बीपीसी चेक करने के लिए AWS EC2 Describe BPC. AWS Describe BPC. चेक कर लेते हैं जो हमारा 10 की सीरीज का BPC है क्या यहाँ पर शो हो रहा है, ओके 10 की सीरीज का है हमारा CIDR ब्लॉक, ओके माई BPC 01 01 क्रिएटेड, ओके। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।